नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रोलॉजी स्टार चैनल में। और आज का वीडियो का विषय है कि आपको मंत्र जाप कैसे करना चाहिए। दोस्तों, मंत्र जाप हमें एक निश्चित मात्रा में करना चाहिए और उस निश्चित मात्रा को नापने के लिए आपके पास एक माला होनी चाहिए। वो कोई भी माला हो सकती है। वैसे मंत्रों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो रुद्राक्ष की माला होना चाहिए कि तुलसी की या स्फटिक की या किसी और मटेरियल की। फिलहाल मेरे पास ये टाइगर आई माला है उदाहरण दिखाने के लिए। जब भी आप माला जाप शुरू करें तो माला की पोजीशन आपकी मध्यमा उंगली के ऊपर होनी चाहिए और अनामिका उंगली उसको सपोर्ट देगी। देखिए, ये आपको उम्मीद है स्पष्ट नजर आ रहा होगा। और फिर अंगूठे से आप एक एक मनके को आगे पुश करेंगे मंत्र जाप करते हुए। और ये जो आपकी तर्जनी उंगली है ये फ्री रहेगी। वैसे तो अगर गौमुखी के अंदर करते हैं हम जाप तो ये गौमुखी के बाहर रहती है, नहीं तो आप इसको फ्री बिल्कुल हवा में छोड़ देंगे और इस ढंग से जाप करेंगे। ये देखिए, एक एक मन का आगे करते रहेंगे। और एक बात का ध्यान रखें कि जब ये माला का आपका रोटेशन पूरा हो जाए, सपोज आप यहां पर पहुंच गए माला जपते जपते, तो आप इसको ऐसे करके क्रॉस नहीं करेंगे। ये सुमेरु कहलाता है, इसकी मर्यादा को भंग नहीं करना चाहिए। तो आप उस वक्त माला को घुमा लेंगे, मतलब अगर आपने एक से ज्यादा माला का जाप करना है एक बार में। ये देखिए, फिर आप इसको घुमा के फिर आप इसको इस ढंग से आप जाप करना शुरू कर देंगे। उम्मीद है आपको कैमरे में सब दिख पा रहा होगा। और एक बात का ध्यान रखिए, जब हम मंत्र जाप करते हैं तो मैंने कई बार देखा है लोग बिल्कुल है एक फ्लो में करते जाते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसा करने की जगह उस मंत्र को फील करें, उसकी इको आप अपने ब्रेन में पहुंचने दें, अपने पूरे शरीर में पहुंचने दें। आराम आराम से करें ओम नमः शिवाय, मन ही मन ओम की भी इको आनी चाहिए और नमः की भी इको पूरी आनी चाहिए और शिवाय की भी पूरी इको आपके अंदर आनी चाहिए। पूरा एक एब्जॉर्प्शन होना चाहिए उस मंत्र का। केवल फॉर्मेलिटी के लिए, केवल नंबर गेम के लिए आप मंत्र जाप कर लें, आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। आप डिसअपॉइंट होंगे, परेशान होंगे। आप उसको फील करें मंत्र को, आप जपते रहें, फील करते रहें। चाहे पांच माला ना करके दो माला करें, परंतु अगर आप उसको एब्जॉर्ब करेंगे, उसकी इको को सुनेंगे, पूरा ध्यान लगा के मंत्र करेंगे, आपका फायदा कई गुना हो जाएगा। वो 100 गुना, 200 गुना, 1000 गुना भी हो सकता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो आप इस ढंग से मंत्र जाप करेंगे, उम्मीद है आपको फायदा होगा। आप हमें टेलीग्राम पे, हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको ऐसी उपयोगी जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू।